पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली अब्दुल हकीम बलोच के हलके में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया गया। एनए 231 मलीर के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती 11 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को दोबारा गिनती का नोटिस जारी कर दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर मजीद बताइएगा। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली अब्दुल हकीम बलोच के हलका में दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया है। एनए 231 मलीर के 4 पोलिंग स्टेशन में दोबारा गिनती 11 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को दोबारा गिनती के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। पीपुल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 379 वोट लेकर कामयाब हुए थे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खालिद महमूद अली ने कामयाबी को चैलेंज किया था, जिसके बाद अदालत ने 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। एनए 231 के पोलिंग स्टेशन नंबर 65, 71 और 98 पर और 175 पर दोबारा गिनती होगी। एनए 231 मलीर में 25 उम्मीदवार मद मुकाबल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 43,634 वोट लेकर कामयाब हुए थे। जी बहुत शुक्रिया खावर।